अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो आपको अपने पिछले तमाम लेक्चर्स याद हैं और आपने उनको होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तमाम डेसिमल प्रॉब्लम्स को, कि डेसिमल को डिवाइड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम आज देखते हैं पेज नंबर 96 वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन से। प्रॉब्लम वन क्या है? ऑन मंडे मॉर्निंग अ स्कूल कैफेटेरिया हैड 6.55 लीटर्स ऑफ मिल्क एट लंच, 4.2 लीटर्स मिल्क यूज फॉर मेकिंग टी, हाउ मच मिल्क डज द कैफेटेरिया हैव लेफ्ट। ओके, सो आपने देखा कि हमें पहले एक बिग अमाउंट बताई गई है, जो कि उन्होंने, उनके पास टोटल थी 6.55, और एक अमाउंट है जो कि उन्होंने यूज़ कर ली है, जो कि है 4.2 लीटर्स। तो और हमें क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन ये है कि हमें उनके पास वापस रिमेनिंग कितना रह गया है। तो रिमेनिंग के नाम से हमें अंदाज़ा होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। सो सी द सॉल्यूशन। 6.55 लीटर ऑफ मिल्क स्कूल्स कैफेटेरिया हैव, दे यूज्ड 4.2 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड लेफ्ट। जब हमने 6.55 को 4.2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि 5 के नीचे हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया है, सिंपली उसके नीचे हमने ज़ीरो लिख दिया है या इग्नोर कर दिया है, और उसके अलावा हमने डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखा है। यही चीज़ आपको याद रखनी है, और सिंपली आपने 6.55 में से 4.2 माइनस कर दिया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 4.23 लीटर्स मिल्क लेफ्ट। ओके, अब कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने खुद से सॉल्व करना है, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि आप कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको उनके बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स दे रही हूँ। अब आप अपनी बुक्स देखें और उनके ऊपर पेंसिल से हिंट्स लिखते जाएं, ठीक है, ताकि जब आप सॉल्व करें इसको अपनी नीट कॉपीज़ में, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आमिर रैन 2.5 किलोमीटर एंड देन बाइक 8.2 किलोमीटर। मतलब आमिर ने थोड़ा सा फासला भाग के तय किया है और थोड़ा सा फासला बाइक से तय किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाउ फार डिड ही गो। ओके, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कितना दूर चला गया, इन दोनों प्रोसेस को मिला के। सो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या समझ आता है, ऐड करना है। सो यू कैन राइट द हिंट ऑन योर बुक्स, आप ये खुद भी कर सकते हो, सिंपल आपने ऐड करना है। थर्ड पे आ जाते हैं। इन मार्च इट रेन्ड 0.9 इंच। मार्च में कितनी रेनिंग हुई, 0.9 इंचेस। It rained 0.4 inches less in April than in March. So how much did it rain in April? अच्छा, अब बताया गया है कि मार्च में इतनी रेनिंग हुई है, अप्रैल में इतनी हुई है, तो अप्रैल में कितनी कम हुई है। ऑलराइट, तो अब हमें क्योंकि अप्रैल की क्वांटिटी नहीं पता है, तो हम उसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि है अ कैफे यूजेस 27.5 मिल्क पैक अ डे, इफ़ दे परचेज 1.180 मिल्क पैक्स वीकली, हाउ मच विल दे हैव लेफ्ट आफ्टर 6 डेज। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहले एक कैफे के पास कितने मिल्क पैक्स थे, कितने मिल्क पैक यूज़ करता है वो पर डे, 27.5, ठीक है। अगर वो एक ही साथ इकट्ठा मिल्क ले लेते हैं 180 वीकली, तो उनके पास कितना बाकी बचता है? तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि ट्रिकी लग रहा है ना। अ कैफे यूजेस 27.5 मिल्क अ डे, इफ कैफे परचेज 180 मिल्क पैक वीकली, दे यूज मिल्क 27.5 × 6। मतलब अगर एक दिन में 27 पैक यूज़ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वीकली मतलब 6 डेज में कितने होंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 165। सो कैफे यूजेज 165 पैक ऑफ मिल्क वीकली, हाउ मच मिल्क पैक विल दे हैव लेफ्ट।
तो बाकी जो है उनके पास रहता है 180 माइनस 165, 15 मिल्क पैक्स. सो 15 मिल्क पैक इज़ द आंसर. सो यू सी किस तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक करते हैं. बाकी क्वेश्चंस के भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ. उमर परचेज 12.5 केजी वाटरमेलन, दोज वर 5. फाइंड द एवरेज वेट ऑफ वन वाटरमेलन. सो हम इसको डिवाइड करेंगे. कैसे डिवाइड करते हैं आपको पता है ना, किस तरह डेसिमल को हमने मूव करना है और किस तरह से हमने उसको फिर डिवाइड करना है. डिवाइजर में आपके पास डेसिमल होना नहीं होना चाहिए, ठीक है. 6 को भी आप डिवाइड करोगे, ऑल राइट. और 7 को भी आप क्या करोगे, 7 में आपने ऐड करना है. 8 क्वेश्चन में आपने सब्ट्रैक्ट और 9 में आपने सब्ट्रैक्ट दोबारा से करना है. 10 क्वेश्चन देखते हैं. There are 10 sports balls in a cabinet. 3 are hard balls in them. Write the portion of hard balls as a fraction, as a decimal and in words. अब क्या करना है, हमें सिंपली एक फिगर दे दी गई है, उसको हमने डेसिमल में, फ्रैक्शन में और वर्ड्स में बताना है. सो देखते हैं. There are 10 sports balls in a cabinet. Hard balls in the cabinet. कितनी हार्ड बॉल्स हैं, 3 हार्ड बॉल्स हैं. और फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्योंकि कुछ हार्ड बॉल्स हैं और जो कुछ जो हैं वो कुछ सिंपल सादी बॉल्स हैं. तो हम 10 में से 3 की फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, 3 हैं हार्ड और 10 हैं टोटल, तो 3/10. डेसिमल क्या होगा इसका, सिंपल हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं 10, 100 या 1000 से, तो उसका डेसिमल जो है जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाता है. तो अब मुझे बताएं कि 3 है ऊपर सिंगल डिजिट और नीचे है हमारे पास 10, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 से पहले आएगा. वेरी गुड. सो आंसर आएगा डेसिमल का 0.3. वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है वो वंस नहीं होता, क्या होता है, टेंथ होता है. तो हम लिखेंगे 3/10. 11 पे आ जाते हैं. वहाब हैज पिज़्ज़ाज, कितने पिज़्ज़ा हैं वहाब के पास, 2 पिज़्ज़ाज हैं. ईच पिज़्ज़ा इज़ कट इन टू 10 इक्वल स्लाइसेस. ही एंड हिज फ्रेंड्स एट 14. व्हाट पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा डिड दे ईट, राइट इन डेसिमल फॉर्म. 2 पिज़्ज़ाज हैं, दोनों के 10 पीसेज हैं, लेकिन दोस्त क्योंकि दोस्तों ने 14 खाए हैं, तो अब बताएं कि वापस कितने रह गए हैं. तो वहाब हैज़ पिज़्ज़ाज 2, ईच पिज़्ज़ा कट 10 इक्वल पीसेस, टोटल पीसेस इक्वल्स टू 20, टोटल स्लाइस दे ईट इज 14. सो सिंपली क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 10 एंड पार्ट दे ईट डेसिमल में आएगा 0.7. सो इज इट ईजी, इट इज़ ईजी एक्चुअली. अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में क्या है. नेम्स ऑफ 4 स्टेट्स ऑफ द कंट्री स्टार्ट फ्रॉम ए, दे रिप्रेजेंट 0.08 ऑफ ऑल द स्टेट्स, राइट 0.08 एज अ फ्रैक्शन एंड राइट द सिंपल फ्रैक्शन ऑफ द स्टेट्स. तो सिंपल, हमें इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल जो दिया गया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है. जैसा कि आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है या फिर हमें फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना होता है, और अगर हम 10, 100 और 1000 यूज़ कर रहे हैं, तो या तो हमें उनसे डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई. तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने डेसिमल को राइट और लेफ्ट मूव करते हैं. अब आप देखें कि हमारे पास डेसिमल जो है वो 0.08 है, और अगर हमने इसका डेसिमल रिमूव करना है, मतलब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें देखना है कि हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेके जाने के लिए कितने डिजिट्स मूव करने पड़ेंगे. सो कैन यू सी हेयर, 1, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं. ऑल राइट, सो पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनको हमने जंप करना है. ऑल राइट, सो 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो होने चाहिए, और 2 ज़ीरोस तो सिर्फ 100 में होते हैं, तो हम 100 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे. 8 को हम 100 से डिवाइड करते हैं, उसको सिंपलीफाई करेंगे, मज़ीद सिंपलीफाई किया 4/50 हो गया, फिर मज़ीद सिंपलीफाई किया तो 2/25 हो गया. सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस 14 क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 12, 13, 15 एंड 16 आपको खुद से करने हैं. आई नो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका माइंड जो है वो एक फ्लो में आ जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे.
स्टिल अगर समझ में ना आए, टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट एंड यू हैव टू आस्क हर कि क्या आपने किया है और क्या आपसे नहीं हो रहा है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अल्लाह हाफिज़.